जय हिंद दोस्तों, टीम एनिमल बर्ड्स वेलफेयर सिरसा हरियाणा से इन्फिनिटी सेवा का डे 74। सुबह की शुरुआत पीले पीले फूलों के साथ, यहीं पर हमारी चिड़िया ने घोंसला बना रखा है और उसके बाद हमारे शेल्टर में आज जो केस आया है वो दिखा रहे हैं आपको। ये बच्चा है, ये काफ़ी ज़्यादा बेसुध हालात में इनको मिला था, तो इस बच्चे को ये एनजीओ लेके, एनजीओ लाने के बाद इसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया और आज हमारे जो मेन जो गेस्ट थे वो आ गए हैं, सुखजिंदर लोपो भाई। सारे इन्हें जानते ही हैं, ये पंजाब से हैं और शौकी सरदार करके इनका चैनल है और अपने जो जटायु है सबसे पहले इन्होंने ही कवर अप किया था। तो आज हम इन बर्ड्स को रिलीज़ करने वाले हैं, ये हमने सही किए थे, ये बर्ड्स सभी आज इनको आज़ादी दे रहे हैं हम। एक पला झटकिया होया सी, पिंजरे तो उड़ लैंदी है 15-20 फुट, इन्ना तो उड़ दी आ पहली बारी देखी आप कड के, दूजे हो फिरदे बई हजे उड़े, एक हो फिरदा ओ तोता ओ बैठा सामने बोर्ड ते झाड़ू पकड़ के खड़े हैं आदमे, ये डिग्गी साफ कर रहे हैं। सोनू अपने दानवीर की सेवा में जुटा हुआ है पूरी तरह से और फिर शाम को एक और बच्चा आता है, इसकी लेग टूटी हुई है, ये बच्ची की सर्जरी हो चुकी है दूसरी की, आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। ये अपने रोमियो जूलियट खाना खा रहे हैं, रोक्सी बच्चा पहले से ठीक है, काफ़ी खुश है और सभी पर नज़र टिकाए हुए है। आज के दिन के मेरे 5.5 घंटे नाई के पास बीते, मैं आया दास सैलून पे और ये अपने गुरी भाई हैं जो मूछों को रिपेयर करते हैं, जैसे हमारा काम सेवा का है, इनका काम दाढ़ी और मूछ का है। ये शुभम भाई लगे हुए हैं यहाँ पे। रात को घर आया, घर आके पोचीज सीरीज देखी। डॉक्टर से फोन आया था, पक्का एक और चाहिए, मैं बात कर लूंगी।